दोबारा बोलो। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? ठंड लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू कोरी व्लॉग, न्यू डे न्यू लाइफ। हम कितने गुरे आ रहे हैं। आज डे 4 है, आप व्लॉग देख रहे हैं, थर्ड व्लॉग तक आ चुका है आपके पास। हमने कल आपको क्या बोलते हैं, गोविंद धाम के दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि कल का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था और कल इतना बुरी हालत था ना, इतनी बुरी हालत थी। मेरी सिस्टर, मैं तो रात को डिनर ही नहीं आया तो सो ही गया। हाँ, बच्चे सो गए, आते ही एकदम रूम बड़ी मुश्किल से मिला है, मतलब मुश्किल से होटल में ले लिया हम लोगों ने, तो वहाँ पे हमने रूम लिया। पूरे गोविंद धाम में सिर्फ एक ही होटल है, गीजर वाला। हाँ, जो सिस्टर है वो बहुत तबियत खराब होती है उसकी, तो इसलिए मैं कल रात को शूट नहीं कर पाया। मैं आपको आज करवाता हूँ गोविंद धाम के गुरुद्वारे के दर्शन। अभी हम पहले नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं आज का दिन कैसे बीता। बिकॉज ना आज हमारा दिन पूरा वेस्ट हो रहा है। उम्मीद थी कि हम लोग कल शाम को टाइम पे पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक और रेस्ट करके सुबह निकलेंगे 4 बजे हेमकुंड साहब के लिए, लेकिन इनकी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, बच्चों की और सिस्टर की और मेरी वाइफ की, तो हम लोग कल कुछ भी नहीं कर पाए। तो अभी आज का दिन हमारा ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और आई मुझे ट्राई कि हम लोग इसी में कैप्चर करेंगे हेमकुंड साहब की यात्रा भी, इसी में दिखाएंगे डे 4 के अंदर ही, ठीक है जी। तो स्टे ट्यून रहिएगा, ठीक है जी, आपको दिखाएंगे हेमकुंड साहब की यात्रा यहीं से। पहले दिखाते हैं नाश्ता हम जो चल रहा है, आ जाओ जी, नाश्ता चल रहा है। हाँ जी बेदी साहब, की हाल चाल? बहुत बढ़िया, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं। अरे वाह जी वाह, चाय आ गई है, नाश्ते में परांठे चल रहे हैं यहाँ पर। आओ बैठो। हाँ जी, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे जी। नीतू किससे बातें कर रही है? शानी, हेलो करता जी, हेलो। और ये है मिक्स पराठा भैया, योनी की गोभी और आलू मिक्स। ये है आलू और प्याज का भैया को बोला है। अच्छा, एक तो पोनीटा मिल कर। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल। जी कवल जी, शी इज वेरी एक्टिव, और लड़की ने बहुत अच्छी तरह करी है, बहुत बढ़िया। ये लड़की बहुत अच्छी है क्योंकि ये ना फैमिली की कैटेगरी चल रही थी, ठीक है, वो भी बहुत बच्ची है, इसलिए मैं स्टोरी नहीं बोलूंगा। एक्टिव ठीक है वो, लेकिन वो आधे रास्ते उसके बाद वो हॉर्स पे ही है, मैं पूरा रास्ता चल गया। देख वो हॉर्स पे ना, उसको 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 हॉर्स पे ना मजा करना था, मैं ना, पर वो चल जाती। हाँ, आई नो, मैंने नहीं बोला, ये चल जाती, मुझे पता है लड़की है, मुझे पता है मुझे इसका। हाँ जी, देखो आप स्टिक के शिट। हाँ, स्टिक के छाला मेरे भी हुआ था, ये देखो, ये छाला मेरे भी हुआ था स्टिक की वजह से। ये माय गॉड, ये स्टिक पकड़े ये देखिए, इनके इनके हो गया, मेरे निशान पड़ गए। हेलो कर लो, ये कर लो गाइस। हेलो गाइस, की हालचाल? बहुत बहुत, अभी तो अच्छा ही है, अच्छा फील कर रहे हैं, पर दर्द बहुत है बॉडी में। अभी कल और यात्रा में जाना है, अभी यहाँ से पहले इनको दर्शन कराते हैं आज गोविंद धाम के गुरुद्वारे के, है ना, कल रह गए थे वीडियो करने। गोविंद धाम के दर्शन कराते हैं आपको, यहाँ पर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, हद से ज्यादा। कल हम लोग के सबके कपड़े गीले हो गए थे, लिटरली हम लोग कहाँ पे थे, और ये तो रोने ही लग गया गुरुद्वारे में जैसे ही पहुंचा। और फिर संगत ने आके इतनी हेल्प करी अच्छे ज्यादा, कि सबसे पहले लंगर हॉल में ना अंगीठा साहिब है ना, वहाँ पे जाके इसको, मतलब जहाँ पे अंगीठी जलती थी वहाँ पे इसको खड़ा कर दिया, और इसके ना लिटरली कपड़ों में से धुआं निकल रहा था, एंड ही वाज क्राइंग कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, क्योंकि इतनी ठंड थी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। कोई सब ठीक हो जाएगा। अब नाश्ता करते हैं, चलते गुरुद्वारे, ठीक है जी, स्टे ट्यून।
लंगर बनाने वाला हॉल है। अच्छा वाहू जी, ए धाम च आगे असं गोविंद धाम का लंगर हॉल है, लंगर बंद है, वह देखो सेवा। चाय बन रही है, भाई जी इतने एकोमोडेशन का है, तुम इतने स्टे करना हो तो बुक कर सकते हो। तो इतने डिस्पेंसरी हैगी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलती है। ए देखो हमने शानी दवाई लेके आई है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा ये क्या हो रहा है इसके? खींचो ना। ये क्या हो रहा है? हेरा फेरी। हेरा फेरी का हैशटैग। ये मैं इसकी फोटो खींचता हूँ, ये देखो ये हैशटैग के भाई साहब। पीछे भी देखो गाइस, देख रहे हो आप? उधर भी है। वाह, उधर का भी दिखाओ, उधर का पहाड़ भी है। दिखाते हैं दिखाते हैं, देखो विश्वास जो तो इतने लंबे ट्री भी होते हैं। वाह, ओह वाह, वो देखो सुनो, देख रहे हो गाइस तुम? वाह, ये गुरुद्वारा साहब है, हम वैसे ही ऊपर जा रहे हैं फिलहाल। नीतू कहाँ है? हमने कहा हमारे पास आज का दिन है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी ऊपर चलने की भी, थोड़ा सा हम जस्ट थोड़ा जा रहे हैं ऊपर। लेफ्ट साइड पे ना फ्लावर वैली है, सॉरी वैली ऑफ फ्लावर्स है, और राइट साइड पे हेमकुंड साहब रास्ता है। तो वहाँ तक वो कहते हैं जहाँ पे ये रास्ते शुरू होते हैं, जहाँ पे रास्ते कटते हैं ना, तो इसी बारे में तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे आज का क्या हम एंजॉय कर रहे हैं। स्टे हम लोग चढ़े पुल पे, देखो तो हमारी मम्मी कहाँ पहुंची, देखो कोली साहब पुल पे चढ़े, पुल पे हेमकुंड साहब आई थिंक उस तरफ कहीं पड़ता है, उस तरफ जाने हम लोगों ने, यहाँ से देखें आप कलम यहाँ से जाएंगे, रास्ता करते लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग आ रहे हैं वहाँ से वापसी करते हुए। जसकीरत यहाँ बैठ गया है एंड इज एंजॉयिंग। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। सो गाइस नीतू भी पहुँच गई देखो वहाँ पर, एंड बोथ आर एंजॉयिंग। कहते हैं ना अगर आप निकलो तो कोई ना कोई मिल जाता है। क्या देखो साढ़े नाम भाजी का नाम की है सनी, सनी जी है साढ़े रिलेटिव है, मेरे कजन है प्रिंस, आप देखो ब्लॉग वगैरह में हम पार्टी में जाते रहते हैं, तो उनके ही ये ब्रदर इन लॉ हैं। तो बताओ आज संजोग की बात है यहाँ मिल गए हेमकुंड साहब, कुछ हुआ है ऊपर? नहीं कल गए थे, कल गए थे हाँ, तो कल बड़ी बर्फ पड़ रही थी, वापस आना पड़ेगा। अच्छा फिर हाँ, फिर कल ट्राई करेंगे, कल जाओगे ना? बिल्कुल लो अस्सी कल जा रहे हैं, अभी कल जाओगे जाएंगे नाल। नीतू जो प्रिंस है ना सिमरन, उनके ब्रदर हैं, रियल ब्रदर हाँ। मैंने इनको पहचान लिया, इन्हें पहचान लिया, देखा नहीं शायद पहले कभी। अच्छा अच्छा, इनको देखा था। ओके मेरी पापी दा भरा दसो हैला संजोदी का लगी लाकी रेस देखियो, देखिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्या कर रही है? वाह क्या हुआ? बर्फ का पानी? आप भी आओ ना ना तुसी भी लगना चक्को आओ जी आओ कोई गल नहीं नीतू हेलो मौजा मौजा है दिल्ली में गर्मी हो रखी है इसी पानी में स्नान करना पड़ता है इसी पानी में स्नान करना है बर्फ है बर्फ और सारे लोग कह रहे हैं कि जो पानी रुका हुआ है वो गंदा है तो ये चल रहा है ना कि बिल्कुल साफ है ये साफ है ये साफ है पी सकते हो आप पक्का पी भी रहे हैं वो पी भी रहे हैं हां पानी साफ है यार देखो ना ये देखो पानी साफ है डालो डालो दुआ डालो तो फ्रेंड्स यात्रा तो हम कल शुरू कर रहे हैं आपको दिखाया था आपने देखे हो झरने लगे हम कैसे एंजॉय कर रहे थे अब लग रही है भूख मैडम जी ये लोग सब वैसे लंगर छका हैं ये लोग मतलब मुझे छोड़ दिया एडिटिंग के लिए यहाँ पर रूम में 2 घंटे लगे एडिटिंग करने में फोन के ऊपर भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार बोल देना प्लीज सब्सक्राइब कर दो इतनी अच्छी यात्रा दिखा रहे हैं आपको है ना शेयर लाइक कमेंट भी कर दो है ना और ये भाभी भी लाइक मैंने कहा थोड़ा सा चले तो मैं तो कहा था सो यहाँ चल रहा है डिनर और मैं भी कहूंगी बोलो बच्चा 2 घंटे में कर दिया सब्सक्राइब टू कोडी ब्लॉग हां थैंक यू लव यू सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दिया करो और गाइस अगर आपको हेमकुंड साहिब आने को लेकर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल देना हां दाल पनीर रोटियां नान सब चल रहे हैं यहां पर तो हम लेते हैं डिनर एंजॉय और करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए बाकी जो मेन हेमकुंड का ब्लॉग है वो पार्ट 5 में आएगा बहुत जल्दी कल से शुरू हो जाएगी यात्रा उसकी बाकी आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हम डिनर कर रहे हैं अब सोएंगे फटाफट ताकि सुबह उठना है 2 बजे और निकलना है 4:15 बजे निकलना है हम लोगों ने यहाँ से डॉट स्टे ट्यून्ड सो फाइनली ये हमारा डे 4 है आज का और डे 4 हमने आज यहाँ पे पूरा स्पेंड कर लिया है हमने गोविंदधाम में एक्स्ट्रा स्टे लिया था आप देख ही चुके क्यों रीजन क्या था क्योंकि ये लोग बीमार पड़ चुके हैं सब लोग बहुत थक गए थे अब डिनर कर लिया हम लोगों ने थोड़ा वो आउटिंग हम लोगों ने कर ली है ना अब कल मेन यात्रा शुरू होगी सीधा हेमकुंड साहब की अब देखते हैं सुबह घोड़ा करते हैं या क्या करते हैं पैदल जाते हैं किससे कुछ नहीं पता इनका मूड पता नहीं है तो देखते हैं कल का दिन कैसे बीतता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना तो बड़ा मुंह कर दिया मेरा बस छोटा सा मुंह है वैसे मेरा अच्छा और इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो प्लीज प्लीज हमें आप कमेंट कर देना हम लोग ऑन द स्पॉट आपको कोशिश पूरी करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दे थैंक यू सो मच मिलते हैं कल के सफर के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ डे 5वां तब तक के लिए बाय गुड नाइट